हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी टेस्टी पालक पनीर की रेसिपी, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर जुड़े रहिएगा। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ पालक पनीर की एक मजेदार रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक गड्डी पालक ली है, इसे अच्छे से साफ करके धुल लिया है। एक पाव पनीर, एक बड़ा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कस्तूरी मेथी जिसे हमने हथेलियों से मसल लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च, 2 छोटी इलायची, 8 से 9 लहसुन की कलियां, 1 टुकड़ा अदरक जिसे हमने काट लिया है, 2 टमाटर, 1 चम्मच मलाई, ये फ्रेश मलाई है, 2 तेज पत्ता, 2 लाल खड़ी मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी। चलिए अब पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। गैस पे एक बर्तन रखेंगे, उसमें हम लोग पानी को गर्म करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले आधा चम्मच नमक डालते हैं और पानी को हाई फ्लेम पे उबलने देते हैं। मिक्स कर लेंगे नमक को पानी में। पानी में उबाल आ गया है, अब हम लोग इसमें पालक डालेंगे। अब हम लोग पालक को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक उबाल लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है, गैस का फ्लेम बंद करेंगे और पालक से पानी निकाल के ठंडे पानी से धुल लेंगे। हमने पालक को ठंडा पानी से धुल लिया है, अब हम लोग पालक को ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा पालक ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इलायची और जीरा, थोड़ा सा जीरा बचा लेंगे, थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, अब हम लोग गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब हम लोग इसमें 6 से 7 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें जीरा डालेंगे, लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता। अब हम लोग इसमें अपना पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा, चला लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारा मसाला भुजा रहा है तब तक हम लोग पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे। हमने पनीर को बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 से 3 मिनट हो गया है, पेस्ट हमारा भुजा चुका है। अब हम लोग इसमें मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग मसाला को लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। जब तक हमारा मसाला भुजा रहा है तब तक हम लोग पालक का पेस्ट बना लेंगे। हमने पालक का पेस्ट तैयार कर लिया है, 2 से 3 मिनट हो गया है, मसाला हमारा भुजा चुका है। अब हम लोग इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे जिससे हमारा टमाटर गल जाए और हम लोग इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं, चला लेते हैं। अब हम लोग टमाटर को ढक के लो फ्लेम पे गलने देंगे। टमाटर हमारा गल चुका है, अब हम लोग इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग पालक को लो फ्लेम पे 15 मिनट तक अच्छे से ढक के भूजेंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। 15 मिनट हो गया है, पालक हमारा अच्छे से भुजा चुका है, अब हम लोग इसमें पनीर ऐड करेंगे। अब हम लोग इसको चला लेते हैं। अब हम लोग पनीर को 2 से 3 मिनट तक ढक के लो फ्लेम पे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी और फ्रेश क्रीम, चला लेंगे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम पानी, आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, ढक देते हैं।
दो से तीन मिनट हो गया है, अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और आपको हम लोग पालक पनीर सर्व करके दिखाते हैं। हमारी टेस्टी पालक पनीर बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये मजेदार रेसिपी पालक पनीर की। मुझे तो पालक पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं तो रुक ही नहीं पा रही हूँ इसको खाने के लिए। खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी आ ही रही है। तो नहीं बनाना भूलिएगा ये टेस्टी पालक पनीर की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।